दो महीने के अरसे के अंदर होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के ऊपर 3 मीटिंग्स की हैं। इतने हाई लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग्स होना क्या दर्शाती हैं और क्या मतलब है इन मीटिंग्स का होना जम्मू कश्मीर के लिए? हमारे स्पेशल प्रोग्राम इन पर्सपेक्टिव विद अरुण जोशी में इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आज का यही रहेगा कि होम मिनिस्ट्री ने जो ये 2 महीने के अरसे में 3 मीटिंग्स की हैं जम्मू कश्मीर को लेके, इसको आप कैसे देखते हैं? हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो हम दो इश्यूज पे बात करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जम्मू कश्मीर चूँकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे देखा जाए तो सारा कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, इसलिए ये उनके लिए लाजमी भी है, ज़रूरी भी है कि वक्तन फवक्तन वो जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर नज़र रखें, उसे समझें। और उसको समझने के लिए सिर्फ फीडबैक जो उनको यहाँ से मिलता है या उनके एजेंसीज के द्वारा मिलता है या वैसे कोई सोर्सेज हैं उनसे मिलता है, उसके अलावा डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट है यहाँ पे, उनसे और उनके अधिकारियों से बात करें और बात को समझें, और बात को समझने के अलावा उन्हें निर्देश दें कि आगे कैसे चलना है। ये एक तो ये नज़रिया है। दूसरा ये नज़रिया समझना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री का जो रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ अब बदल चुका है, वो इस लिहाज से कि आप आर्टिकल 370 हटने के बाद ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है, जो वो कर रहे हैं। जो इमोशनल कनेक्ट जम्मू कश्मीर के साथ करना है पोस्ट आर्टिकल 370 एबरोगेशन, वो अब तेज़ी से किया जा रहा है, उसको एक गति दी जा रही है, उसको एक मोमेंटम दिया जा रहा है। ये मोमेंटम जो है ये उनको ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये उसमें उसका एक हिस्सा है, और आगे की रणनीति राजनीति जो भी होगी जम्मू कश्मीर के बारे में, और जम्मू कश्मीर अपने आप में, चाहे ये यूनियन टेरिटरी है, अपने आप में एक मिनी इंडिया है। इसमें बहुत सी कम्युनिटीज़ बसती हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और कल्चरल इथॉस है इसका अपना, और इसकी अपनी हेरिटेज है जो भारत के हेरिटेज के साथ, भारत की लैंग्वेजेस के साथ, भारत के साथ इमोशनल कनेक्ट जो है, जो पहले भी था लेकिन उसको अब पूरी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को ये लगे कि जो पहले था उससे कहीं बेहतर इंतज़ाम हो रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है और उसके अनुसार जो कार्य करने हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो बाकी इश्यूज़ पे हों, वो कैसे किए जाए, ये इन मीटिंग्स में ये निर्धारित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो कार्रवाई की है सिक्योरिटी रिव्यू करने का, वैसे ओवरऑल सिचुएशन रिव्यू करने का, जिस पे उन्होंने एक बात पे बहुत जोर दिया है, कि हमें भविष्य देखना है जम्मू कश्मीर के लोगों का, भविष्य देखना है फ्री ऑफ टेररिज्म एंड फ्री ऑफ फेयर, तो ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा काम है जो किया जा रहा है। तो सर, इस तरह की जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए खासकर ये मीटिंग्स होम मिनिस्ट्री में हो रही हैं, तो कितना बड़ा रोल है इसका डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर की, कि इस इन मीटिंग्स के बाद डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, डेवलपमेंट इकोनॉमी ये तभी प्रॉस्पर करती हैं जब पीस हो, और होम मिनिस्ट्री लगातार, होम मिनिस्टर खुद भी 2-3 बार यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर पे, उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की है, युवाओं से बात की है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स से बात की है, वैसे आम जनता से भी बात की है,
तो उन्हें ये जो लग रहा है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए प्रॉक्सी वॉर को डिफीट करना है, और एक बार प्रॉक्सी वॉर जो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू हो रही है या एक कारण है इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, अगर वो समाप्त हो जाता है तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है प्रॉक्सी वॉर को खुद डिफीट करेगी, ये उनका मानना है और सही मानना है। दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको आपके घर से जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, चाहे स्कूल जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, या किसी दूसरे कस्बे में जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कनेक्टिविटी हो, आपको कोई हिंड्रेंस ना हो। कनेक्टिविटी कैसे होती है? रोड से होती है, और रोड जब कनेक्टिविटी बनाती है तो ये ट्रेड और इकोनॉमी में भी फ़ायदा देती है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो ये ह्यूमन एंगल को, पीपल्स ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मीटिंग की जाए, समझा जाए कि कौन कौन से एरिया को प्रायोरिटी पे लेना है और कब कब लेना है और कैसे कैसे लेना है, ये सारी बातें सुनिश्चित की जाती हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी टेररिज्म फ्री पीस डेवलपमेंट इकोनॉमी एंड फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इस हिसाब से चल रहा है जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस पर गति देने की कोशिश कर। तो सर, इन मीटिंग्स को हम लोग क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के साथ जोड़ सकते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने के भी चांसेस हैं अब? देखिए, ऐसा है कि मीटिंग्स में रिव्यू होना, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, ओवरऑल सिचुएशन का हो, डेवलपमेंट का हो, एरियाज ऑफ डेफिशिएंसी हो, उनको गैप्स को कैसे फिल किया जाए, ये एक बात होती है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन कॉल लेता है इलेक्शंस पे, और इलेक्शन कमीशन जब कॉल लेता है इलेक्शन कराने के लिए तो वो स्थिति का जायज़ा लेता है। वहाँ पे होम मिनिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट रोल बनता है कि स्थिति कैसी है। अब स्थिति कैसी है ये नहीं बताना है, स्थिति उन्होंने कैसे इम्प्रूव की है ये भी उनका कार्य है। इसलिए अभी जो है, हम चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे होम मिनिस्टर हों, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, कोई भी हो, ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन तक रखे हुए हैं। इसमें क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का सवाल है, इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट देने की बात है, तो ये स्थिति जो है, राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, एक स्थिति बनाई जा रही है कि जिसमें सभी पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और कोई वोटर्स को कोई डर ना हो, ताकि वो पोलिंग बूथ पे जाए, अपना वोट का अधिकार करें, वोट दें। तो ये सारी स्थिति में अभी ये कहना कि इलेक्शंस कब होंगे या इलेक्शंस की तैयारियों के लिए हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस एक हिस्सा है इस प्रोसेस का, ओवरऑल प्रोसेस का, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अंजाम देना है। बाकी ओवरऑल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को कैसे देखना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, उनका समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हाँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक रोल निभाना है, स्थिति पे कंट्रोल करना है, एक ऐसा एटमोसफेयर देना है जिसमें डर ना हो, और वहाँ पे अल्टीमेटली कॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेनी। थैंक यू सो मच फॉर योर पर्सपेक्टिव सर। तो इसी के साथ हमारा आज का सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह के और भी पर्सपेक्टिव्स के लिए आप देखते रहिए इन पर्सपेक्टिव विद अरुण जोशी।